हेलो फ्रेंड्स, आरपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में साइंस से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए आरपीएस क्लासेस लाया है। केमिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स, वो भी एमसीक्यूज के थ्रू। और ये जो हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं ना, ये ऑलरेडी एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं। हम पहला प्रश्न इस लेसन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डाई। अब ये चारों में से नेचुरल डाई कौन सा है, ठीक है। अब देखो, नेचुरल डाई है ना, मतलब एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिससे है ना टेक्सटाइल या बाकी सारी चीज़ों को कलर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा एलिजारिन, ये थर्ड वन, ठीक है। इससे क्या है ना, ये रेड कलर ये सब बनता है, रेड या रेड के रिलेटेड है ना, और जो कलर होते हैं ना वो वाला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो देखो, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, राइट। तो ये 24 कैरेट का होता है, होता है 18 कैरेट वाला कितने परसेंट होगा, 65%। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ। अब देखो, डायमंड है ना वो ग्रेफाइट से हार्डर क्यों होता है, वो ज़्यादा कड़ा क्यों होता है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि सारे मटेरियल्स में सबसे ज़्यादा हार्ड ये होता है डायमंड, इससे भी ज़्यादा कुछ होते हैं बट आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इन लेयर्स ऑफ एटम्स, इसके जो एटम्स होते हैं ना उसके लेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, इसीलिए, राइट। फर्स्ट होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉन रेडियो एक्टिव, ये चारों में से नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा है, ठीक है, एलिमेंट्स कौन सा है। तो देखो, इसमें अगर नाम पढ़ो ना तो ये नियम नियम रियम ऐसा करके आएगा, ठीक है, यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम। अब ये देखो, जिरकोनियम भी प्रोनाउंस में क्या है ना बिल्कुल सेम लगता है, ठीक है, बट जिरकोनियम में क्या है ना वो रेडियो एक्टिव ये एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इसलिए फोर्थ होगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि एग्जाम में जब आपका प्रेशर ज़्यादा होता है ना तब ऐसे सिल्ली मिस्टेक करके आ जाते हैं कि नाम तो पढ़ने में एक जैसा ही लग रहा है ऐसा, ठीक है। व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। देखो, सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए कौन से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है सिलिकॉन की, ठीक है। ये जो सेमी कंडक्टर्स के सबसे बनते हैं ना सारे, जो सोलर प्लेट जो होते हैं ना उसके लिए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वोलाटाइल मैटर। ये देखो, ये चारों है ना कोल की ही वेराइटीज है, ठीक है। अब इसमें से है ना वोलाटाइल मैटर जो होता है ना सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम वोलाटाइल मैटर होता है एंथ्रासाइट में। पीवीसी इज ऑब्टेंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। अब देखो, ये पीवीसी जो होता है ना, मतलब किसके पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, तो ये बनता है विनाइल क्लोराइड से, ठीक है, इससे ही बनता है पीवीसी, ठीक है। अब देखो, ये पीवीसी है ना होता क्या है, ठीक है, इसको देखो बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जिसको पॉलीमराइजेशन से किसको करने से बनता है, विनाइल क्लोराइड से, ठीक है। तो सेकेंड होगा हमारा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल्स डज नॉट कंटेन इसेंशियल फैटी एसिड। अब देखो, इसमें से कौन सा ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, जिसमें ना इसेंशियल फैटी एसिड जो शरीर को चाहिए वो नहीं होता है, तो होता है सनफ्लावर ऑयल में, ठीक है, इसमें इसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता है। मस्टर्ड ऑयल में होता है, ग्राउंडनट ऑयल में होता है, कोकोनट ऑयल में भी होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता है चौथ ये फर्स्ट में, ठीक है, तो सनफ्लावर ऑयल में होगा राइट आंसर। द मेटेलिक कॉन्स्टिट्यूंस ऑफ हार्ड वाटर। अब देखो, हार्ड वाटर जो होते हैं ना इसको दो तरीके से समझो, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है ना, पीने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और उससे बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं, और उसमें जब साबुन या डिटर्जेंट पाउडर का यूज करेंगे ना तो उसमें फेन ज़्यादा आता है, ठीक है, और हार्ड वाटर में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें है ना तीन चीज़ें ज़्यादा होती है, एक कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, इसलिए क्या है ना इसको हार्ड वाटर बोलते हैं। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। अब देखो, शरीर का जो ब्लड होता है ना उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है
7.5 से लेकर के 8 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास। अब देखो शीशे तो देखते हैं ना, शीशे के ग्लास, शीशे के बर्तन, यूटेंसिल्स, तो उसमें जो कलर आप देखते हो ना, ब्लू कलर अगर आप देख रहे हो तो ब्लू कलर बनता है किससे, निकेल ऑक्साइड से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स कैचेज फायर लिस्ट। ये देखो ये चारों के चारों है ना फाइबर है, ठीक है, मतलब जिससे कपड़े बनते हैं, कुछ आर्टिफिशियल, कुछ मैनमेड फाइबर, कुछ नेचुरल है, ठीक है। तो ये कॉटन है ना, इसमें आग सबसे कम लगती है, देर से पकड़ती है, ठीक है। बाकी में तो क्या है ना कि थोड़ा सा भी आग पकड़े ना तो प्लास्टिक जैसा जलने लगता है और चिपचिपा सा हो जाता है, राइट। सेकेंड होगा सही जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज फिलर इन टायर ऑफ रबर। अब देखो टायर जितने भी आप व्हीकल में देखते हो ना, तो उसमें फिलर के रूप में किसका यूज होता है, ये होता है कार्बन ब्लैक, फर्स्ट वन। इसलिए अब देखो टायर को जब जलाते हो ना तो बहुत एकदम भयानक सा है ना, एकदम अजीब सा काला काला धुआं निकलता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये होता है इथिलीन, इसकी पॉलीमराइजेशन से ही पॉलीथीन बनती है, ठीक है। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल मटेरियल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर। अब देखो एटमोसफेयर में जो ओजोन लेयर है ना, तो वो बेसिकली करता क्या है, ओजोन लेयर करता है अल्ट्रावायलेट रे को है ना, वो फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, जिससे क्या है ना हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाता भी है, खास करके स्किन डिजीज से। तो ये है ना, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो है ना ओजोन परत को क्या है ना नुकसान पहुंचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजियस वेस्ट इन ह्यूमंस। अब देखो मानव का शरीर ऐसा है ना कि जो भी वेस्ट होता है ना, जिसकी ज़रूरत शरीर को नहीं है, वो क्या है ना वो निकाल देता है शरीर, ठीक है। उसमें से एक है यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड हमारा शरीर का एक तरह का वेस्ट ही है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज, अब देखो एस्पिरिन है ना जो पेन किलर या फिर ये सर्दी खांसी बुखार में जो लेते हैं ना एस्पिरिन, वो वाला, तो ये होता है ना एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, यही होता है एस्पिरिन। थर्ड वन, जो मेडिसिन के रूप में आप यूज करते हो, क्लोड इज ए कोलोडियल डिस्पर्सन ऑफ। देखो क्लोड है ना वो वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर, यही होता है क्लोड, ठीक है। नीचे आप देखते हो ना, आप बादल देखना जो बरसने लगते हैं, उसमें पानी ही तो होता है पूरा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स। देखो ये चारे हैं, चारों के चारों है ना वैक्स ही है, ठीक है। देखो इसमें एक है ना पैराफिन वैक्स है जो पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है, उसका ही वैक्स है, राइट। और ये लेसन का लास्ट वन देखते हैं, विच वेराइटी ऑफ कोल कंटेंस रिकोगनाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। अब देखो आपको ये तो पता होगा कि जीवाश्म है, यानी जीवों के अवशेष, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब जो दब जाते हैं ना पृथ्वी के अंदर कई सालों तक, कई हजारों सालों तक, तो उससे कोल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें है ना पीट कोल को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ट्रेसेस दिख जाएंगे, ठीक है। इसलिए थर्ड होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसके फ्री एजुकेशन का बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में भी जाएं, उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।